हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस टैंक। जीएस टैंक में बहुत बहुत स्वागत है आपका, जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं इंटायर कंप्यूटर साइंस को। जी हाँ, ये कंप्यूटर साइंस की फुली डेडिकेटेड क्लास होती है, जहां पे हम डिस्कस करते हैं थ्योरीज और एज वेल एज उसका एमसीक्यूज। तो यही बात करते हैं अगर रिकैप की, यानी कि पिछले क्लास की, तो हमने स्टार्ट किया था एनसीईआरटी क्लास 11 का चैप्टर 10 टपल्स एंड डिक्शनरीज, जहाँ पे हमारा पार्ट वन यानी एक वीडियो इस पे हमारा आ चुका था, और उसमें हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन टू टपल्स, टपल्स के ऑपरेशंस के बारे में डिस्कस किया था, टपल के मेथड्स और इनबिल्ट फंक्शंस के बारे में बात किया था, टपल के असाइनमेंट के बारे में बात किया था, नेस्टेड टपल के बारे में बात किया था, उसके बाद टपल हैंडलिंग पर भी बात किया था, और इसके साथ हमारा डिक्शनरी का पार्ट भी स्टार्ट हो गया था, जहां पे हमने बात किया था इंट्रोडक्शन टू डिक्शनरीज, डिक्शनरीज आर म्यूटेबल, डिक्शनरी ऑपरेशंस और ट्रैवर्सिंग अ डिक्शनरी। यहां तक इतने टॉपिक्स हमारा कल के वीडियो में कवर हो चुका था। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, अगर आपका पार्ट वन मिस हो गया है एनी हाउ, तो आप जाकर उसको देख लीजिए, क्योंकि अगर वो वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको ये वाले पार्ट समझने में परेशानी हो सकता है। तो इसलिए हम आपको सजेस्ट करेंगे कि पार्ट वन बिना पढ़े पार्ट टू को मत देखिए, ठीक है। तो आप जाकर उसको देख सकते हैं, प्लेलिस्ट प्रॉपर क्रिएट किया हुआ, कहीं से आपको कोई तकलीफ परेशानी नहीं होने वाली है, क्योंकि थंबनेल पर भी लिखा हुआ रहता है और टाइटल पर भी लिखा हुआ रहता है। तो आज हम बात करेंगे उसके आगे, तो उसके आगे हम बात करें, इससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, शेयर कर दीजिए, और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर दीजिए, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में लास्ट तक देखने के बाद जरूर बताइए कि आपको क्लास कैसा लगा है, ठीक है। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं जो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है, क्या, डिक्शनरी मेथड्स एंड बिल्ट इन फंक्शंस, ठीक है। तो ठीक जैसे हमने टपल्स में देखा था और पहले भी देखा था लिस्ट में और स्ट्रिंग में, तो उसी तरह इसमें भी आपको डिक्शनरी में भी बिल्ट इन फंक्शंस पढ़ने हैं, जो कि काफी आसान है, एकदम आसानी से इसको कवर कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपका एलियन, तो इससे तो आप फेमिलियर होंगे, इसका मतलब क्या होता है, लेंथ, यानी सिंपली आपको लेंथ बताना है। अब देखिए यहाँ पे जो एग्जाम्पल है वो मोहन और फिर दे दिया 95, तो ये की वैल्यू पेयर है, तो ये एक काउंट होगा, फिर ये दो काउंट होगा, फिर ये तीन काउंट होगा, और फिर ये चार काउंट होगा, तो टोटल इसका लेंथ क्या हो जाएगा, चार हो जाएगा, समझ में आ गया। नेक्स्ट, अब डिक्ट, डिक्ट क्या करेगा कि क्रिएट्स अ डिक्शनरी फ्रॉम अ सीक्वेंस ऑफ की वैल्यू पेयर, जो भी की वैल्यू पेयर का जो एक सीक्वेंस है उससे क्या करेगा, ये डिक्शनरी को क्रिएट करेगा। अब देखिए जैसे आपको पेयर दे दिया एग्जांपल में, मोहन 95 ये पैरेंथेसिस में लगा हुआ है, ठीक है, फिर राम 89, सुहेल 92 और संगीता 85 है, तो ये जो है सो आपका डिक्शनरी के फॉर्मेट में नहीं है, क्यों, क्योंकि उसमें की वैल्यू जो होता है उसके बीच में क्या होता है, इस कॉलन लगता है, और जो पूरा एक आइटम है वो सेपरेट किससे होता है, कॉमा से सेपरेट होता है, क्लियर है पॉइंट। तो जैसे पेयर वन को आप रिटर्न करेंगे तो ये जो एज इट इज ये मिल जाएगा, और फिर उसके बाद डिक्ट इज इक्वल टू डिक्ट पेयर वन, यानी कि पेयर वन को आप डिक्शनरी में क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। तो जैसे डिक्ट वन रिटर्न करेंगे आप इसको, सिंपली आपको ये डिक्शनरी के फॉर्मेट में मिल जाएगा, जहां पे ये क्या हो जाएगा, आइटम हो जाएगा, और ये कॉलन है जो कि की और वैल्यू का कॉलन बीच में लग जाएगा, और कॉमा इसको सेपरेट करेगा, किसको, आइटम्स को, ये क्या है, आइटम है, क्लियर है पॉइंट, समझ में आ गया पूरा। अगला देखते हैं, अगला है कीज, कीज क्या करेगा, रिटर्न्स अ लिस्ट ऑफ कीज इन द डिक्शनरी, यानी कि पूरे कीज रिटर्न कर देगा, बोले तो पूरे कीज रिटर्न कर देगा, जो भी कीज है उसको क्या करेगा, रिटर्न कर देगा। अब देखिए जैसे ये दे दिया आपका डिक्ट वन में इतना वैल्यू दे दिया, अब क्या करना है आपको, की को रिटर्न करना है, तो की क्या होता है, जो पहला वाला है वो की होता है, दूसरा वाला क्या होता है, वैल्यू होता है, तो जो भी की है उसको रिटर्न करके आपको दे देगा, वैल्यू में क्या करेगा, वैल्यू रिटर्न कर देगा, ये की है और ये वैल्यू है, तो वैल्यू को क्या करेगा, रिटर्न कर दिया, कुछ नहीं है इसमें, एकदम आसान चीज है, ठीक है। अब है आइटम्स, तो आइटम क्या करेगा, पूरे आइटम को ही रिटर्न कर देगा, तो देखिए ये डिक्शनरी के फॉर्मेट में है और फिर ये आइटम्स है, तो आइटम के फॉर्मेट में ले आया, ये कुछ नहीं है। अगला क्या है, गेट, गेट से क्या होगा, गेट से होगा कि रिटर्न द वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू द कीज पास्ट एज आर्गुमेंट, आपको सिंपली क्या करेगा, वैल्यू रिटर्न करेगा, किसका, की पास्ट का,
एंड इफ द की इज नॉट प्रेजेंट इन द डिक्शनरी इट विल रिटर्न नन, और अगर की प्रेजेंट नहीं है डिक्शनरी में तो वो नन रिटर्न करेगा। जैसे देखिए मोहन 95, मोहन क्या है, की है, 95 क्या है, वैल्यू है, रिटर्न इसको क्या करना है, की रिटर्न करना है, सॉरी वैल्यू रिटर्न करना है, जो की जो वैल्यू पास हुआ है वो रिटर्न करना है। तो आप जैसे यहाँ पे की डालेंगे तो उसका वैल्यू आपको रिटर्न होकर मिल जाएगा। जैसे संगीता का क्या है, 85 है, तो यहाँ पे आपने गेट संगीता डाला, यानी कि आप इसमें की डाल दिया तो आपको क्या मिल जाएगा, वैल्यू मिल जाएगा। यहाँ पे गेट सोहन, अब यहाँ पे सोहन इसमें है ही नहीं तो क्या रिटर्न करेगा, कुछ नहीं करेगा, तो एम्प्टी रह जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसका मतलब, नन, कुछ रिटर्न ही नहीं करेगा। ठीक है, क्लियर है पॉइंट, यानी कि सिंपली बोले तो यहाँ क्या रिटर्न हो रहा है, यहाँ पे एम्प्टी रिटर्न हो रहा है, क्या रिटर्न हो रहा है, एम्प्टी रिटर्न हो रहा है। पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट अगला है अपडेट। अपडेट में क्या करेगा कि अपेंड्स, अपेंड मतलब क्या होता है, जोड़ना, जोड़ देगा। अपेंड्स द की वैल्यू पेयर ऑफ द डिक्शनरी पास्ट एज द आर्ग्यूमेंट ऑफ द की वैल्यू पेयर ऑफ द गिवन डिक्शनरी, यानी सिंपली क्या करेगा कि की वैल्यू पेयर जो दिया हुआ है उसको क्या करेगा, अपेंड कर देगा। अब देखिए मोहन 95, राम 89, सुहेल 92, संगीता 85, ठीक है, और डिक्ट 2 क्या ले लिए, सोहन 79, गीता 89। अब क्या करना है कि डिक्ट 1 अपडेट डिक्ट 2, यानी कि इसको इसमें क्या करना है, अपेंड कर देना है। तो अब देखिए संगीता 85 तक था तो वहां तो एज इट इज है, ये तो डिक्ट 1 का पार्ट हो गया, लेकिन डिक्ट 2 में क्या है, सोहन 89 और गीता, सॉरी सोहन 17 और गीता 89, तो यहां पे वो भी एक साथ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बात हो गई किसकी, डिक्ट 1 की, क्योंकि ये इसमें अपेंड हो रहा है। अगर सेपरेटली आप डिक्ट 2 देखना चाहते हैं तो ये आपको डिक्ट 2 मिल जाएगा। पॉइंट क्लियर है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत। अब है डीईएल, यानी सिंपली क्या करेगा, डिलीट कर देगा, डिलीट द आइटम विथ द गिवन की, सिंपली क्या करेगा, आइटम को ही डिलीट कर देगा। अब देखिए क्या है, डिक राम, सॉरी मोहन राम सुहेल संगीता, डिलीट डिक्ट राम, यानी कि फॉर्मेट ये करना है, डेल डिक्ट अंडरस्कोर नेम इसको यूज करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, राम को यहाँ पे हटा देना है, तो क्या हो जाएगा, मोहन सुहेल संगीता। ठीक है, मोहन को हटाना है, डिलीट करना है, तो सुहेल संगीता। अब डिलीट डिक्ट 1, आप चाहेंगे डिक्ट 1 को ही पूरा को डिलीट कर दें तो नहीं, पूरा डिक्शनरी आप डिलीट नहीं कर सकते हैं डीईएल के मदद से। ठीक है, डीईएल के मदद से आप सिर्फ आइटम को डिलीट कर सकते हैं, पूरे डिक्शनरी को डिलीट नहीं कर सकते हैं। अब जैसे ही कोशिश करेंगे डिक्शनरी को डिलीट करने की, आपको सिंपली क्या मिल जाएगा, नेम एरर आपको मिल जाएगा। बात समझ में आ गया कैसे कैसे ये वर्क कर रहा है। अगला है आपका क्लियर, डिलीट और क्लियर ऑल द आइटम्स ऑफ द डिक्शनरी, पूरा डिक्शनरी में जितने भी आइटम सारे को क्या करेगा, क्लियर कर देगा, यानी कि सिंपली बोले खाली कर देगा, एम्प्टी कर देगा। डिक्ट 1 में दे दिया इतना, जो मोहन राम सुहेल संगीता है वो दे दिया, फिर डिक्ट 1 डॉट क्लियर, जैसे ही लगेगा क्लियर पूरा एम्प्टी रिटर्न हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जितने भी इसके अंदर में आइटम्स है वो सारे को क्या करेगा, क्लियर कर देगा, यानी कि सिंपली डिलीट ऑल कर देगा, डिलीट ऑल। पॉइंट क्लियर हो गया है, समझ में आ गया अच्छे से। तो आगे बढ़ते हैं, जो अगला टॉपिक है क्या, मैन्यूपुलेटिंग डिक्शनरी। सिंपली मैन्यूपुलेट मतलब क्या होता है, ये मैन्यूपुलेटिंग डिक्शनरी को छोड़िए, मैन्यूपुलेट मतलब क्या होता है, कुछ फेर बदल करना, फेर बदल करना, इंग्लिश में बोले तो चेंज या मॉडिफाई या अल्टर करना, यही होता है ना इसका मतलब, इसका मतलब यही होगा। तो सिंपली क्या करना है, डिक्शनरी में कुछ अगर आप फेर बदल करेंगे तो वो क्या हो जाएगा आपको, मैनिपुलेटिंग डिक्शनरीज। ठीक है, अब जैसे देखिए इसके एग्जांपल में आइए, एग्जांपल दे दिया प्रोग्राम की मदद से। आप इस क्वेश्चन को छोड़िए, पहले आप इसको ये देखिए, चाहे ये क्वेश्चन भी देख लेते हैं, क्रिएट अ डिक्शनरी ऑड, ऑड नाम से आपको डिक्शनरी क्रिएट करना है ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 1 and 10, 1 और 10 के बीच में जो भी ऑड नंबर है उसके लिए, वेयर द की इज द डेसिमल नंबर एंड द वैल्यू इज द कॉरस्पॉन्डिंग नंबर इन वर्ड्स, यानी कि की को लेना है आपका डेसिमल नंबर, यानी कि पॉइंट की बात नहीं हो रही, जैसे आपको 1 से 10 के बीच में आपको ऑड नंबर लेना, तो क्या क्या हो जाएगा, 3, 5, 7, 9, क्योंकि 1 से 10 के बीच में लेना है, कर सकते हैं 1 से 10 के बीच में लेना है। ठीक है, 1, 3, 5, 7, 9 हो गया। अब देखिए वैल्यू इज द कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड्स, जैसे वैल्यू की बात करें, वैल्यू क्या हो जाएगा, ONE,
THREEE3, समझ रहे हैं ना, FIVE5, SEVEN7 और NINE9, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 13579, ठीक है। अब आइए, करना क्या क्या है, की को डिस्प्ले करना है, वैल्यू को डिस्प्ले करना है और आइटम को डिस्प्ले करना है, यानी कि ऐसे आपको डिस्प्ले करना है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है बात, कैसे डिस्प्ले करेंगे आप, पूरा लिख ही देते हैं ना। ठीक है, तो डिस्प्ले करेंगे आइटम को, फिर फाइंड द लेंथ ऑफ डिक्शनरी, फिर डिक्शनरी के लेंथ को फाइंड करेंगे, फिर चेक करेंगे कि सात इसमें प्रेजेंट है कि नहीं, फिर चेक करेंगे कि दो इसमें प्रेजेंट है कि नहीं, रिट्रीव द वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू की नाइन, की नाइन के जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू उसको क्या करेंगे, रिट्रीव करेंगे, फिर डिलीट द आइटम फ्रॉम डिक्शनरी करस्पॉन्डिंग टू की नाइन, की नाइन के करस्पॉन्डिंग जो भी डिक्शनरी है उसके आइटम को क्या करेंगे, डिलीट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, डिस्प्ले द की। अब ये जो दिया हुआ है इसको हम ऑलरेडी आपको इलेबोरेट करके यहाँ पे हम बता दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे की हो गया, वैल्यू हो गया और ये क्या हो जाएगा, ये आपका आइटम हो जाएगा, जो कि बेसिक्स होते हैं, हम आपको ऑलरेडी पहले भी पढ़ा चुके हैं, तो यहां तक आपको समझने में दिक्कत आई थिंक नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए पहला क्या है, डिस्प्लेस द की, यानी कि पहला आपको की को डिस्प्ले कराना है, तो सिंपली की क्या हो जाएगा आपका, 13579 है, तो ये क्या करेगा, डिस्प्ले करा देगा, समझ गए बात। अगला क्या है, डिस्प्ले द वैल्यू, वैल्यू डिस्प्ले करा देगा, 13579, क्लियर है यहां तक। अब इसके बाद आइटम को डिस्प्ले करा देगा, ठीक है, आइटम को डिस्प्ले ये करा देगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपको लेंथ बता देगा, लेंथ क्या हो जाएगा, ये 1 2 3 4 और 5, 5 हो जाएगा। अब सात इसमें प्रेजेंट है कि नहीं, 7 इज प्रेजेंट और नॉट, तो ऑड है तो ऑब्वियस सी बात है कि सात तो होगा, तो ट्रू रिटर्न कर देगा। दो को चेक करेगा, दो इसमें नहीं रहेगा क्योंकि दो इवन है, वो ऑड के कैटेगरी में नहीं आता है, तो फॉल्स रिटर्न कर देगा, ठीक है। रिट्रीव द वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू की नाइन, अब की नाइन क्या है, सॉरी की क्या है, नाइन है, और उसका वैल्यू क्या लिखे थे हम लोग, NINE लिखे हैं, तो वहां पे NINE डिस्प्ले कर देगा, समझ रहे हैं बात। अगला है DEL odd 9, तो उसको क्या करेगा, डिलीट कर देगा। DEL से क्या हम लोग पढ़े हैं कि वो जो है आपको की वैल्यू, उसको आइटम को सिंपली डिलीट कर देगा, की वैल्यू को डिलीट कर देगा, की वैल्यू बोले या फिर आइटम को डिलीट कर देगा, DEL यही करता है ना, अभी जस्ट हमने ऊपर पढ़ा है, डिलीट कर देगा। तो DEL odd 9, तो जैसे ही करेंगे आपका यहां से 9 गायब हो जाएगा, ठीक है। अब एक और प्रोग्राम यहाँ पे दे दिया है आपको, ठीक है, जिसमें कहा गया है राइट अ प्रोग्राम टू इंटर नेम ऑफ इम्प्लॉय एंड देयर सैलरीज एंड इनपुट एंड स्टोर देम इन डिक्शनरी, यानी कि मैनुअली आपको कुछ इम्प्लॉयज के नाम इंटर करने हैं, उसके सैलरी इंटर करनी है और उसको एज अ डिक्शनरी आपको क्या करना है, स्टोर करना है, ठीक है। आइए देखते हैं, तो नम क्या ले लिए, नम ले लिए इंट, इंट वैल्यू लगेगा, इनपुट इंटर द नंबर ऑफ इम्प्लॉयज हुज डेटा टू बी स्टोर्ड, फिर दे देंगे आप डबल कोट, ठीक है। काउंट क्या करेंगे, एक से स्टार्ट करेंगे, काउंट वन, इम्प्लॉय इज इक्वल टू डिक्ट, क्या कि डिक्ट में क्रिएट कर देंगे, क्रिएट एन एम्प्टी डिक्शनरी। व्हाइल लूप लगा देंगे, व्हाइल काउंट इज लेस देन इक्वल टू नंबर, काउंट इज लेस देन इक्वल टू नंबर, नेम इक्वल टू इनपुट, इंटर द नेम ऑफ इम्प्लॉयज, फिर सैलरी में क्या करेंगे, इसको इंट में लेंगे, इनपुट इंटर द सैलरी, फिर इम्प्लॉय नेम इज इक्वल टू सैलरी और काउंट प्लस इक्वल टू वन, कहने का क्या मतलब है, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस वन। आपको हम बस समझा दे रहे हैं, ज्यादा इस प्रोग्राम्स को दिल पे नहीं लेना है, ऐसा नहीं कि एकदम लिखना लिखने आप पूरा बैठ गए, ज्यादा कुछ नहीं करना है, हम थ्योरी समझा रहे हैं, आप थ्योरी को ध्यान से समझिए, बस आपको हम प्रोग्राम इसलिए समझा दे रहे हैं ताकि आपको आउटपुट निकालने में दिक्कत नहीं हो, इसलिए हम समझा रहे हैं, नहीं तो उतना भी आपसे ये प्रोग्राम नहीं पूछने वाला है, क्योंकि आप कोई हैकर रन रैंक हैकर अर्थ गिक्स फॉर गिक्स ये सब चीज का आप नहीं दे रहे हैं एग्जाम, ठीक है ना, आप टीचर का एग्जाम दे रहे हैं। तो जैसे ही आप इतना इंटर करेंगे और उसके बाद देखिए मेन काम कहां से स्टार्ट होगा, स्लैश एन मतलब न्यू लाइन, स्लैश एन इम्प्लॉय नेम और स्लैश टी किसके लिए यूज करते हैं, हॉरिजॉन्टल टैब स्पेस, कल हमने पढ़ाया है आपको, याद आ रहा है ना, हॉरिजॉन्टल टैब स्पेस यानी हॉरिजॉन्टली डेटा को क्या करेगा, ये डिस्प्ले करेगा। फिर फॉर के इन इम्प्लॉय, फिर एक के को ले लिया, फॉर रूप लगा दिया यहाँ पे, फिर प्रिंट के स्लैश टी इम्प्लॉय के। अब जैसे ही आपको आउटपुट जो मिलेगा तो टोटल नंबर ऑफ क्या करेगा, 5 को लेना है आपको, जितना नंबर आपको चाहिए एम्प्लॉय का, पहले नंबर डाल दिए तो 5 डाल दिए, उसके बाद नाम डाले क्या, तरुण,
और उसके बाद सैलरी डाल दी है 12,000, फिर दोबारा नाम डलेगा अमीना 34,000, जोसेफ 24,000, राहुल 30,000, जोया 25,000। इसके बाद आपसे नहीं मांगेगा नेम ऑफ एम्प्लॉय और सैलरी, क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे 5 ही लिमिट रखा है, ठीक है। अब जो आपने यूज किया था ना स्लैश टी, उसका रिजल्ट यहाँ दिख रहा है किस फॉर्मेट में, हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में, हॉरिजॉन्टल में, ठीक है। तरुण यहाँ पे इम्प्लॉय नेम है, फिर सैलरी है तरुण, अमीना, जोसेफ, राहुल, जोया, जो जिसका भी रेस्पेक्टिव सैलरी है आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे और भी हैं कुछ प्रोग्राम्स दिए हुए हैं, लेकिन आई डोंट थिंक सारे को डिस्कस करने की जरूरत है, एक दो डिस्कस करती हमें एनी हाउ टाइम बचाना है, स्मार्ट स्टडी करना है, सब कुछ डिस्कस नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि हम उनको उतना ही पढ़ा रहे हैं जितना एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक्स्ट्रा बात बताने का कोई फायदा है नहीं। आप यहाँ पे PhD नहीं कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस में, आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनने से मतलब है कि नहीं। अब आते हैं समरी पे, क्योंकि वो हमारा लास्ट था, तो अब सिंपली आता है कि समरी पे। तो क्या कहता है पहला पॉइंट कि टपल्स आर इम्यूटेबल सीक्वेंस, ऑब्वियस सी बात है टपल्स क्या है, इम्यूटेबल है, और म्यूटेबल में क्या क्या आता है, हम बार बार आपको रिवाइज कराते रहते हैं ताकि आपको याद रहे। म्यूटेबल में क्या आता है, लिस्ट, सेट और डिक्शनरी, ठीक है। बाकी जो भी बचे वो किसमें आएंगे, इम्यूटेबल में, इसमें आपका स्ट्रिंग, टपल वगैरह, इंटीजर्स सब आ जाएगा। वी कांट चेंज द एलिमेंट्स ऑफ अ टपल वंस इट इज क्रिएटेड, ऑब्वियस ही बात है कि अगर इम्यूटेबल है और एक बार क्रिएट कर दिया गया तो उसमें आप कुछ चेंज, अल्टरेशन या मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं उसके एलिमेंट्स में, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ टपल आर पुट इनटू द राउंड ब्रैकेट्स, जिसको क्या बोलते हैं, पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस, ठीक है। इफ अ सीक्वेंस हैज कॉमा सेपरेटेड एलिमेंट विदाउट पैरेंथेसिस इट इज ट्रीटेड एज अ टपल, ठीक है। मतलब मान लीजिए कि आप 20 ले लिए, अब सिंपली इसको छोड़ दिए तो ये क्या ट्रीट करेगा, एज अ इंटीजर ट्रीट करेगा, लेकिन यही 20 के बाद अब कॉमा लगा दिए तो एज अ क्या ट्रीट करेगा, एज अ टपल ट्रीट करेगा, यही कहने का मतलब है इसका, समझ में आ गया बात। नेक्स्ट, टपल्स आर ऑर्डर्ड सीक्वेंस एज इच एलिमेंट हैज अ फिक्स पोजिशन, ऑर्डर्ड सीक्वेंस होता है, ये मैंने आपको कल के क्लास के स्टार्टिंग में ही बताया था टपल्स के बारे में, कि जो आप इसको एलिमेंट जैसे सजाया हुआ है, जिस भी फॉर्मेट में जैसे भी सीक्वेंस में सजाया हुआ है, तो आपको जो आउटपुट मिलेगा वो उसी सीक्वेंस में मिलेगा, दैट इज ऑर्डर्ड। लेकिन अगर आपको जिस क्रम में सजाया हुआ है उस क्रम में आपको आउटपुट नहीं मिले, कुछ रैंडम क्रम में मिल गया, तो दैट इज अनऑर्डर्ड, ठीक है। अगला है इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग का तो बताने की जरूरत नहीं है, जो इंडेक्स वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होता है, जीरो से स्टार्ट होता है, ये तो आपका पॉइंट क्लियर ही है, डिस्कस करने का जरूरत है नहीं। टू वे इंडेक्सिंग होल्ड इन अ डिक्शनरी एज वेल एज इन स्ट्रिंग एंड लिस्ट, ये ऑलरेडी हम चर्चा पहले कर चुके हैं। ऑपरेटर प्लस किसके लिए यूज होता है, कॉन्कैटिनेट के लिए, यानी कि सिंपली जोर करने के लिए, एड वन सीक्वेंस स्ट्रिंग में भी, लिस्ट में भी और टपल में भी, ठीक है। स्टार मार्क्स है, ये किसके लिए यूज होता है, स्टार होता है रिपीटेशन के लिए, बार बार रिपीट कराने के लिए, जैसे आप कर दिए हेलो और यहाँ पे कर दिए दो स्टार मार्क, दो तो ये दो बार रिपीट करा देगा, HELO हेलो, HELLO हेलो, ठीक है, यही है। मेंबरशिप ऑपरेटर में क्या होता है, इन होता है और नॉट इन होता है, और वैल्यू क्या रिटर्न करता है, ये ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करेगा, ऑब्वियस ही बात है। इन के केस में क्या है कि अगर वो वैल्यू प्रेजेंट है, जो भी वैल्यू आप रिटर्न करा रहे हैं वो वैल्यू अगर एलिमेंट में प्रेजेंट है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। नॉट इन का केस जस्ट उसका अपोजिट है, अगर प्रेजेंट है तो फॉल्स रिटर्न करेगा, प्रेजेंट नहीं है तो ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है, जस्ट उसके अपोजिट है। अब बात आती है टपल मैनिपुलेशन फंक्शंस की, हमने कुछ फंक्शंस देखा था, बिल्ट इन फंक्शंस जो था वो सब देखा था, जिसमें क्या है, लेंथ निकालना है, टपल हो गया, काउंट हो गया, इंडेक्स हो गया, सॉर्टेड हो गया, मीन, मैक्स, सम हो गया, ठीक है। डिक्शनरी जब मैपिंग, नॉन स्केलर डेटा टाइप, मैपिंग डेटा टाइप हमने जब पढ़ा था गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन चैप्टर 5 में, तो वहां भी मैंने आपको बताया था कि जो डिक्शनरी वो किसके अंदर आता है, मैपिंग के अंदर आता है, एंड इट इज अनऑर्डर्ड कलेक्शन। अभी अनऑर्डर्ड क्या होता है मैंने जस्ट 2 मिनट पहले बताया है, अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर आर पुट इनसाइड अ कर्ली ब्रैसेस, यानी कि के और वी, ये पूरा एक आइटम हो गया, सेपरेशन किससे होगा, कॉमा से होगा, ये भी हमने चर्चा कर लिया है। इच की सेपरेटेड बाय अ वैल्यू कॉलन, बता ही दिए हैं। कीज आर यूनिक एंड एक्ट एज इंडेक्स, कीज यूनिक होने चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, एंड कीज आर ऑफ इम्यूटेबल टाइप बट वैल्यू कैन बी म्यूटेबल, जो की होते हैं ये इम्यूटेबल टाइप के हो सकते हैं, ठीक है, जो कीज होते हैं वो इम्यूटेबल डेटा टाइप के हो सकते हैं, लेकिन जो वैल्यूज हैं वो म्यूटेबल भी हो सकते हैं, ये इम्यूटेबल होंगे और ये म्यूटेबल हो सकते हैं, ठीक है।
सारे चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कुछ भी प्रॉब्लम आपको आ रहा है इतना पढ़ने के बाद, मेरा पूरा लेक्चर देखने के बाद अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम अराइज हो रहा है आपके मन में, तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बेझिझक बताइए, बिना किसी परेशानी के हम आपको प्रॉब्लम क्वेरी को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो ये चैप्टर है टपल्स एंड डिक्शनरीज, ये कंप्लीट हो गया है। इसको हम दो अलग अलग वीडियोस में इसलिए बांट दिए हैं क्योंकि अगर एक वीडियो में करते तो हो सकता है कि आपके लिए थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता, क्योंकि ऑलरेडी वो 50-55 मिनट का वीडियो बन चुका था और हम नहीं चाहते हैं कि एक घंटा प्लस जाए फिर आप लोगों को फिर दिक्कत हो देखने में, इसलिए हम इसको दो पार्ट में तोड़ दिए। कोई दिक्कत नहीं है, समय का टेंशन नहीं लेना है, मुझे भी पता है कि विद इन टाइम सिलेबस को कंप्लीट कराना है, वो हम करा देंगे, आप घबराइए बिल्कुल नहीं, आप इत्मीनान से पूरे क्लास और एमसीक्यूज को अटेंड करते रहिए विदाउट एनी टेंशन, फ्रीली एकदम, ठीक है। फिर मिलते हैं कल, और वो रहेगा आपका एमसीक्यू का क्लास, वो डेफिनेटली अटेंड करिए, पहले आप पूरा थ्योरी पढ़ लीजिए, थ्योरी पे पूरा ध्यान दीजिए, उसके बाद आप एमसीक्यू को अटेंड करिए, ठीक है। फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।